फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजाना फूड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन युक्त मूंग का सैलेड, जिसे बनाना बहुत इजी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये अंकुरित चना और मूंग है, इसे हमने पहले पानी में भिगो दिया था। उसके बाद में हमने इसी सूती कपड़े के अंदर इसे गीला करके और फिर टांग दिया था। एक दिन हमने इसे टांग दिया है और ये देखिए कितना अच्छा अंकुरित हो गया है। ये देखिए चना भी कितना अच्छे से अंकुरित हुआ है और ये मूंग भी कितने अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। अब हम इसका सैलेड तैयार करेंगे। तो हम एक पहले बड़ा बाउल ले लेते हैं। इस बाउल के अंदर हम इन सभी को डाल देंगे, चने को और मूंग को। तो ये देखिए हमने इस बाउल के अंदर इनको डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो ये हमने एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है, इसे डाल देते हैं। एक मीडियम ही हमने टमाटर लिया है, इसे भी हमने बिल्कुल बारीक काटा है, इसे भी डाल देते हैं। ये हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसे भी डाल देते हैं। दो हमने हरी मिर्च ली है, इसे भी हमने बारीक कट किया है, इसे भी डाल देते हैं। इन सभी को डालने के बाद अब हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून में इसके अंदर डाल रही हूँ चाट मसाला। 1/2 टीस्पून में इसके अंदर डाल रही हूँ काला नमक। 1/2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर सादा नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और एक हम इसके अंदर डालेंगे नींबू का रस। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सभी चीजों को हमने इसमें डाल दिया है, अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है और ये हमारा सैलेड बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये लीजिए, हमारा कलरफुल मूंग का सैलेड रेडी है। ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आप भी इसे बनाकर जरूर ट्राई करें और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।